दुर्भाग्य क्यों या सौभाग्य क्यों कोरोना कैसा पल हमारे जीवन में आया जो हमारी कल्पना के बाद हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा कि पूरा देश हमारा हुआ रहेगा, पूरा विश्व हमारा रहेगा। हम लोगों ने अपने पारिवारिक जीवन अपने जीवन में कभी अपने आप को ही समझ पाया। लोग पैसे कमाने के लिए बहुत इसको काटना उसको काटना इसको तोड़ना उसको तोड़ना सिर्फ एक जीवन में लक्ष्य रहा कि सिर्फ पैसे, लेकिन वो आखिरी समय पैसा भी आप लेके साथ में नहीं जाते। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस जीवन में जिसने जमीन खरीदी या मकान बनाई ये पैसा कमाया जाते समय वो अपने कौन से जेब में लेके जाता है? और हम 75,000 लोगों के बीच में जो होम आइसोलेट थे उनको योग से निरोग करके उनके मनोदशा को हमने ठीक किया। चाहे वो आपकी परीक्षा होती, मैं कई बार हमारे डायरेक्टरेट के अधिकारियों को डांटता था परीक्षा अवधि को लेकर। मेरा क्या था उसमें परीक्षा अवधि में, भाई वो तो लाभ आपको मिलता, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे मेडिकल ऑफिसर काम करते इतनी मेहनत करते हैं, अगर उसका उसको हक ना दिला पाऊं तो फिर मेरा मंत्री रहने का क्या मतलब। इसलिए मैंने पारदर्शिता के साथ भी करवाया। कुछ लोगों को लग जरूर रहा था, बुरा लग रहा था, लेकिन मैं पारदर्शिता के साथ में, और मैंने अपने प्राइवेट व्यक्ति से बात भी करता था आप लोगों से अलग अलग तरीके से। कई मेडिकल ऑफिसर से मैंने जानने की कोशिश किया, धरातल पे जानने की कोशिश किया कि आपको किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। कई बार तो पूछते थे आप कौन बोल रहे हो, ये आपको लगा, कई बार पता नहीं होगा कि मैं आपके मेडिकल ऑफिसर से बात करके आपके बारे में पूछता था। मैं इसलिए मैं बहुत से अधिकारियों के बारे में मेरे पास में जानकारी भी आई, लेकिन मैंने कभी उसको दूसरे वे में नहीं लिया कि इस पे कार्रवाई करूंगा या मैं उसको सुधारने का रास्ता दिखाया।